अनुराधन करें माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रनाथ पांडे जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी का अनुराधन करते हुए सम्मानीय डॉक्टर चंद्रनाथ पांडे जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, सम्मानित प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी, श्री राम कुमार यादव जी, समस्त अनुराधन करते हुए स्वागत
त्रिलोचन जसवाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपने शक्ति को जिला मात्र ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, तो इस निर्णय से न केवल शक्ति बल्कि शक्ति जिले के गांव गांव के लोग आकर बड़े पैमाने पर स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनके स्वागत को स्वीकार करने का कष्ट करेंगे। मैं आदरणीय उपेश बघेल जी से, आदरणीय चरण दास जी से आग्रह करूंगा कि मंत्री थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ताकि लोग स्वागत कर सके। सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह जी, जिला के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समस्त प्रकोष्ठों के साथ उनका अग्रभाव से स्वागत करेंगे। राघवेंद्र कुमार सिंह जी अभी सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के साथ आए। इसके बाद महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती गीता देवांग और शेर शाह जवान से आग्रह करूंगा कि महिला कमेटी के साथियों के साथ उनका स्वागत करें। एनएसवाई जानकी और शक्ति खुशवंत चंद्र अंकित सिसोदी आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एनएसवाई टीम के साथ उनका स्वागत करेंगे। युवा कांग्रेस के चलो
सुनील चंद्र जी, प्रताप चंद्र जी, संजय जलवे जी, ऋषि उपाध्याय जी, राकेश्वर श्याम जी, विकास तिवारी जी, इंटर के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र झा जी, साकार करूंगा न्याय गोवे पंडित जी का स्वागत करेंगे। राघवेंद्र झा जी
ठेका का काम शुरू है तो जल्दी आगे उसका भारत सरकार को याद दिया जाए। श्रीमती विवेकानंदा जी मन के कारण सभी
विद्वाजन उपस्थित श्रमिक सज्जनों भाइयों और अधिकारी कर्मचारी का पत्रकार बंधुओं, जांजगीर जिला के शक्ति विज्ञान और इस सभा का विषय कि जो शक्ति रजिया मई ऐसे सम्मान में भूपेश बघेल जी आज हमारी जो उपस्थित है शक्ति राज के स्वतंत्रता और जिला जांजगीर चांपा जीवन दायरी नदी साथियों ये भावों परियोजना के स्वतंत्रता किसान सामान की प्रतिमा के अनावरण के शुभ अवसर पर हमारी जो उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब से छत्तीसगढ़ के सेवा करने के लिए उठाए मुख्यमंत्री के पद के सभा में तब से लेकर के आज पर्यंत बहुत अच्छा अच्छा काम छत्तीसगढ़ के हित में किसान मन के हित में कर्मचारी मन के हित में सभी व्यक्ति के हित में अपना नाम धारण है। गौ माता की सेवा के लिए मूलभ मनाई होते हैं लेकर निर्वास में कारण हो और वो गांव सीमन के उत्थान के लिए वो मन के संरक्षण के संवर्धन के लिए जो गौठान योजना गोधन न्याय योजना प्रारंभ करे हैं लेकर Peace out!
छत्तीसगढ़ के विकास को और पूरे भारत में एक नंबर के मुख्यमंत्री, गरीब किसान मजदूर सबके आंसू पोंछने वाला भूपेन बघेल जी के पास दो आगे से सरकार को बताओ आज
टावर हमारे सरकार लगाए ही वो बढ़ा भी चले गए, वो बढ़ाना वाला सरकार है मछले खाने को साथ हो गए और अच्छे साथ हो गए। मैं देखे तो ना हो आज हम यहाँ के भागपुर जिस शक्ति सरकार में पढ़ने का जानवी चक्कर से बड़ी हुई आज दिया दे दी जी।
हमारे रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष मेरा सुभाष मुखर्जी, सतमी कोर्ट के अध्यक्ष पटेल जी, उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती चंद्रा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, यहाँ की नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती सुषमा जायसवाल जी और कोरबा के महापौर भैया राजकोर प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष सोनी जी, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल जी और सभी इस क्षेत्र के जिले के पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे धीरे शर्मा जी और यहाँ के प्रभारी महामंत्री अर्जुन तिवारी जी और सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ बैठे हुए सभी अतिथिगण, श्याम अग्रवाल जी और उपस्थित दारू जयसवाल जी और उपस्थित पूरे जिले से आए हुए सभी सम्मानीय नागरिक प्रमुखों, सभी चुनाव जनप्रतिनिधिगण, पंच सरपंच या पंचायत और जनपद के सदस्य, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी अपने दानी जी, हमारे आपके आईजी साहब, जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार जी, एसपी डॉक्टर पवन जी और सभी अधिकारी कर्मचारीगण, बहुत ही खुशी की बात है कि जब से छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की श्रृंखला हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में हजारों करोड़ के विकास कार्य माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। पिछले समय जब जिले की मांग आई तो आदरणीय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी की मांग पर सत्ती को नया नाम बनाने की भैया भूपेश बघेल जी ने घोषणा की और लगभग उसका काम पूर्णता की ओर है। जो प्रशासनिक जो काम होते हैं दवा पत्ती तक लगभग पूर्णता की ओर है और अभी बजट में उसमें पदों की स्वीकृति, पैसे की स्वीकृति भी की जा चुकी है और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ विकास कार्यों के साथ साथ मैं पूरे प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल की सरकार में कुछ जिले बने, कुछ तहसीलें गिनी चुनी बनी होंगी, लेकिन हमारी सरकार जब से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यह सरकार स्थापित हुई है, 85 तहसीलों की घोषणा जिसमें 23 तहसीलों का कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, इस बात का ये प्रमाण है कि जिस तरह गांव गांव के किसान एक पटवारी को खोजने के लिए महीनों चक्कर लगाते थे, आज उनके गांव के आसपास जो तहसीलें गठित हो रही है तो आपको न पटवारी क्या आपको तहसीलदार भी आपके गांव के आसपास मिलेगा, ताकि आपके छोटे मोटे जो भी खेती किसानी के नामांकन के धोती के बंटवारा के सीमांकन के जो काम है उभरी तेजी के साथ हो सकेंगे। इसके साथ साथ ऐप को लॉन्च भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किया है, उसके माध्यम से अब आपका तहसीलदार तहसीलदार या कोई भी राजस्व अधिकारी काम करने में लेकर दीदी करेगा तो 7 दिन के अंदर, उसके बाद 7 दिन के बाद उसको उसका कार्य प्रमुख रूप से बताना होगा, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, जिला के कलेक्टर भी देखेंगे, राजस्व के सचिव भी देखेंगे। इस प्रकार से राजस्व के अधिकारी लापरवाही नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से 4 दिनों का आपको मालूम है कि घोषणा हुई है कि इसमें शक्ति जिला, आपका सारंगढ़ जिला, मानपुर मोहला और मनेन्द्रगढ़ चारों की औपचारिकता है उनका की ओर है। इसके साथ साथ 85 तहसीलों में 23 को उद्घाटन का कल हुआ, कुछ तहसीलों को उद्घाटन पहले हुआ और लगभग जो 30 तहसीलें बची है वो प्रक्रिया जी है जो कि बजट में बहुत सी शामिल हुई है और लगभग 2 मेगा के अंदर उनको भी फोन करके माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ 10 अनुभाग जिसमें भाई अंपर यादव जी ने महाराजा का जिक्र किया, 10 अनुभाग में 4 अनुभागों का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार लगातार निर्माण और विकास कार्यों के साथ साथ जो आपके प्रशासनिक कामों में कसावट मारने के लिए प्रदेश में जगह जगह इस प्रकार से शासकीय कार्य खोले जा रहे हैं और साथ में आपको मालूम है कि पूरे देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा, आपने सुना ही होगा कि एक कार्यकाल में सरकार ने किसी एक कार्यकाल में
फसलों का निर्माण हो, ऐसा कोई प्रदेश हम लोगों ने सड़क पर बैठ करके दे दिया, नेत्र दे दिया, अन्य प्रदेशों में पता लगा, लेकिन किसी प्रदेश के बारे में ये जानकारी नहीं मिली। हमें प्रजाति फसलों का निर्माण 3 साल के कार्यकाल में हुआ है, माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसमें आपने देखा होगा कि जो मजदूर खेती के बिना जो मजदूरी करते हैं, जो भूमि भी मजदूर है, उनको पैसा देने का काम आज भारतवर्ष में किसी सरकार ने नहीं किया। जो काम किसी ने किया तो उसका नतीजा उठाया, माननीय भूपेश जी की हमारे कांग्रेस की सरकार ने उस नतीजा को उठाया है कि अपने आप में पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक ऐसी काम है। इसके साथ साथ बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से ऐसे काम है जिनकी जानकारी मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ी सौगात यह शक्ति वासियों के लिए, साथ में शक्ति चंद्रपुर और जयपुर तीनों विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात जो है वो जिले की है, जो आपने दिया है। मैं इसके लिए प्रभारी मंत्री होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूँ जनता की ओर से। और यही कहूंगा कि जिस प्रकार से गोरेला पिंडा मरवाई जिले को उद्घाटन हुआ, आपने मुझे वहां का प्रभारी मंत्री बनाया और उस जिले का कितनी तेजी के साथ विकास हुआ, किसी तेजी के साथ। वैसे तो बहुत से काम जिला बनने से पहले ही आपके जिले में हो गए हैं, बहुत सी समस्याओं का समाधान हो गया, बहुत से लोगों का निर्माण, बहुत से भवनों का निर्माण, कॉलेज स्कूल इसके साथ साथ पेयजल की व्यवस्था, बहुत से निर्माण और विकास कार्य किए जा रहे हैं। और जो बाकी काम बचे होंगे वो जिले के साथ साथ आपके माननीय भैया भूपेश जी पूरा करेंगे, इतनी बात की है। उम्मीद करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी, पालक मंत्री जानकी साधा जी, हमारे बीच केवी कुमार जी, देवभूषण जी, नवीन सोनी जी, राजपुर साहब गोपाल भट्ट हमारे जमीन कार्यक्रम है जी। आप सब
और
जी, रामा जी, राहुल जी, मोहन
किसान मत सरकार है
श्रीमंत है और 1500 करोड़ पहली अगली सदस्य खेल महोत्सव तीसरा हमारी स्थापना दिवस से बच्चों का 31 मार्च के पिछले साल में है और यू साल में हमारा सरकार खूब बनेगी। भारत सरकार ने समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी बहुत ज्यादा देंगे उसको चावल स्टैंड देंगे। छत्तीसगढ़ के किसान चापा जाने के किसान 25 रुपए से क्रांति पर धान खरीदने होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 1 रुपये ज्यादा मांगते थे, हम पे 1 रुपये काम नहीं कर 2500 और हमारा डिमांड आज 2 साल हो गए 11,000 करोड़ रुपए किसान के खाता में। जब तक सरकार बने किसान की संख्या बढ़े खेती ग्राहकों बने लाख मिट्टी का धान काला ये सब हम खरीदे और हमारा सरकार केवल किसान वर्ग की नहीं मजदूर की नहीं बल्कि सबके ध्यान रखा। हमारे नौजवान लड़कियों ने पीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे ग्रामों की परीक्षा की तैयारी कर रहे होकर मत ठीक हम आपको एक काम हमारा सरकार करे जनता भारतीय पहली बार 1998 में जन रेल मंत्री जिसे देश में आखिरी बार शिक्षक मंत्री भक्त हुए थे एक बार शिक्षक शिक्षा कर्मी मंत्री भक्त हुए हमने हम शिक्षा कर्मी मंत्री नीति मंत्री करे और साथ ही 15,000-14,000 से भी शिक्षक मंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ में एक बार पहली बार शिक्षक मंत्री भक्त हुए जमीन
माता की सेवा हुई। आज तक चंदन धरती माता की जय की थे, धरती का माता की जय की थे, गौ माता की जय की थे, सेवा तो उन्होंने करा है, लेकिन सेवा का काम हमें छत्तीसगढ़ सरकार करा थे। छत्तीसगढ़ माता की बेटी बेटा मन की सेवा करे थे और छत्तीसगढ़ गौ माता की सेवा करे थे, धरती की सेवा करेंगे। हमारा स्मरण रखेगा हम इसी मुख्य दिशा में आगे बढ़े और उतना जितना आज झारखंड सरकार और गोधन न्याय योजना स्वीकार कर ले, मध्यप्रदेश की सरकार कहा है हम गोबर भेजने काम करो, उत्तर प्रदेश की सरकार कहा है हम अगर गोबर भेजने की व्यवस्था करो, उनको खाना बनाओ, गांव गांव जाकर अतिक्रमण करवाओ, और हम तो अपनी सरकारी हमें जाता जो खान जमीन आरक्षण करे, आज 8,000-10,000 जो खान जमीन जो है 1,500 रहने की जमीन हम आरक्षित कर ले, और उन्हीं जमीन में 1 एकड़ जमीन हम हर गांव में रखे हर भाग में दूसरे साथ ऐसे मकान नहीं जिन्हें हम अगर जैसा पार्क बनाओ पूरे एक धार्मिक भी हुई धार्मिक भी हुई जगह भी हम गांव में शादी कर है जो हनुमान मंदिर रखती है या पढ़े लिखे लेकिन मंदिर जो कोई गंदा लगा हुआ जा रहे वो जमीन जैसे पार्क बनाओ, वो जमीन जैसे पार्क उनमें पानी की व्यवस्था करो, बिजली की व्यवस्था करो, सेट के निर्माण करो, ये खाली हुआ थे वो हमारे उद्योग धंधा लगा सके और न करो तो उत्पादन की व्यवस्था करो, बल्कि विक्रय की व्यवस्था करो, कभी हर साल उसी मार्ग निर्माण में हमने करेंगे निर्णय लिए हैं ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो सके। अभी जनता ये चिंता कर सबसे ज्यादा पढ़ाए नहीं होते तो हम रोजगार की व्यवस्था करो, आवक पढ़ाए करिए समाप्त होगी सुबह 4 के बाद और वापस कहीं कहीं
की अकेडमी में सभी साथ